अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुंबई की मशहूर बेलपूरी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से, बल्कि इससे भी बहुत अच्छी, मज़ेदार और चटपटी सी। आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइए, बहुत अच्छी मज़ेदार बनेगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। गैस पर पैन रखेंगे, हाफ कप ऑयल डालेंगे। हमको बूंदी फ्राई करना है, मैं कपगीर की मदद से बूंदी फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी क्रिस्पी होने पर निकाल लेंगे। वही ऑयल में थोड़े से सेव फ्राई करेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से भी सेव और बूंदी मंगा ले सकते हैं। अब हमको ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ऑयल हटा देंगे। गैस पर पैन रखेंगे, एक बड़ा टेबलस्पून बटर डालेंगे। गैस बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। हाफ कप पीनट मूंगफली डालेंगे, अच्छा सॉटे करेंगे। मिर्च डालेंगे हाफ टेबलस्पून, मैं हल्दी और नमक डाली, इसका वीडियो नहीं आया, आप लोग मिला लीजिए। मुरमुरे अच्छे क्रिस्पी करेंगे, एक दो तीन मिनट मुरमुरे अच्छे क्रिस्पी करेंगे। देखिए अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। टमाटर है ये दो, बीन्स और इसका पानी निकाल लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करेंगे। आलू है, पोटैटो से बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस कर ली मैं, वो भी मिक्स कर लेंगे। ऑनियन है दो मीडियम साइज के, इसे भी छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस कर ली मैं, वो भी मिक्स कर लेंगे। ये खट्टी मीठी चटनी है इमली की, हरी मिर्च और पुदीने की चटनी है, ये भी हसबे ज़ायका मिक्स कर लेंगे। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। हरा धनिया है थोड़ा सा, ये भी मिक्स करेंगे। बूंदी ये भी मिक्स कर लेंगे। सेव है ये भी डाल देंगे। नींबू डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए जबरदस्त हमारी बेलपूरी बनी है, आप लोग मेरे तरह से बनाइए, बहुत अच्छी मज़ेदार बनेगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।